नमस्कार दोस्तों, पिछले खंड में हमने चर्चा आपसे आरंभ करी थी धन योगों के ऊपर। साझा किया था कि किस प्रकार से व्यक्ति मास, हिंदी चंद्रमास, वो महीना जो चंद्र महीना है और हिंदी माह है, उसके अंदर कब कब धन अधिक होता है और कब कब धन मध्यम और कब कब धन सामान्य होता है। उसके बाद चर्चा आरंभ करी तिथियों के ऊपर कि कौन कौन सी वो तिथियां हैं जिनमें धन ऊपर बढ़ता है और कौन सी वो तिथियां हैं जिसमें अत्यधिक प्रयास और मेहनत करने के बाद जीवन में धन की प्राप्ति होती है। आज इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए मास, महीना, महा, उनके स्वामियों के ऊपर बात करेंगे। अब आप सोचें कि महीने के भी क्या स्वामी होते हैं? बिल्कुल सच है। आचार्य मिश्र के कथनानुसार एवं महुर चिंतामणि के अनुसार महीनों के भी स्वामी होते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं चैत्र महीने के स्वामी राहु, वैशाख महीने के भी स्वामी राहु ही है, ज्येष्ठ के मंगल, अषाढ़ के सूर्य, श्रावण के शुक्र, भाद्रपद महीने के स्वामी चंद्रमा, अश्वनी के बुध, कार्तिक के भी बुध, मार्गशीर्ष के गुरु, पौष महीने के स्वामी गुरु, माघ महीने के स्वामी शनि और फाल्गुन महीने के स्वामी भी शनि है। जैसे पिछली चर्चा में बताया था कि इन महीनों में अगर जो महीने महा उसमें कहे थे कि इन महीनों में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो धन बढ़ता है। जैसे बताया था चैत्र में औसत, वैशाख में मध्यम, जेठ में उत्तम। अब इसके बाद और थोड़ी सूक्ष्म गणना में चलें तो अगर इनके स्वामी भी लगन कुंडली के अंदर शुभ प्रकार से विराजित हैं, उत्तम भावों में, मित्र राशियों में, उच्च राशियों में, स्व राशियों में अगर बैठे हुए हैं तो धन बढ़ाने में और सहायता देते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझे, मान लीजिए व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो ज्येष्ठ महीने में पैदा हुआ है और साथ ही मंगल भी जन्मांक के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर और शुभ बलि बैठा हुआ है, तो न केवल महीना, हिंदी मास, वह भी धन दे रहा है और उसका स्वामी भी शुभता में बैठने के कारण से धन में वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से ये समझे कि जेठ महीने के अंदर व्यक्ति पैदा हुआ है तो महीना तो उत्तम धन का है, किंतु मंगल नीच राशि में, अशुभ राशि में या रिष्ट स्थानों पर बैठा हुआ है तो धन के अंदर वो थोड़ी कमी करेगा। अर्थात पहले हमने देखा कि कौन से माह बढ़िया हैं, महीने बढ़िया हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि उस माह के जो स्वामी हैं वो किस प्रकार से बने। इसके बाद हम अगले खंड पे चलेंगे। अगला खंड क्या कहलाता है? व्यक्ति जिस ऋतु में पैदा होता है उस ऋतु का भी एक स्वामी है। ऋतु हर ग्रह के द्वारा शासित एक ऋतु है। यहाँ राहु और केतु को, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं तो उनकी ऋतुओं को मान्यता नहीं है। सूर्य की ऋतु ग्रीष्म और मंगल की ऋतु भी ग्रीष्म है। ऋतुआं जो बताई गई हैं, छह बताई गई हैं, दो दो माह की एक ऋतु होती है। इसी कारण से मंगल और सूर्य को ग्रीष्म का संयुक्त स्वामित्व दिया गया है। अर्थात सूर्य की राशि ऋतु ग्रीष्म अर्थात गर्मी, चंद्रमा की ऋतु वर्षात वर्षा, मंगल की ऋतु फिर दोबारा पुनः गर्मी,
बुध की ऋतु शरत, गुरु की ऋतु हेमंत, शुक्र की ऋतु वसंत एवं शनि की ऋतु शिशिर, जो ठंडी और गहरी ठंड होती है उसको शिशिर कहा गया है। अब जिस ऋतु में, जैसे वर्तमान में कार्तिक का महाप्रारंभ हो चुका है और इसमें शरद ऋतु चल रही है, तो जो शरद ऋतु है वो शनि के अधिपत्य में आती है। अर्थात अगर व्यक्ति जिस ऋतु में पैदा हुआ है और उस ऋतु का स्वामी ग्रह अगर जन्मांक के अंदर शुभ भावों में, केंद्र में, त्रिकोण में, स्वराशि में, मित्र राशि में, उच्च राशि में भी विराजित है, तो वह भी धन को आगे बढ़ाने में, जीवन में काफ़ी सहायक और सहायता प्रदान करता है। पहले हमने महा के ऊपर बात करी, फिर महा के स्वामी के ऊपर बात करी, फिर ऋतु के ऊपर बात करी और ऋतु के स्वामी के ऊपर बात करी। इसके साथ साथ हमने तिथियों के ऊपर बात करी। रिक्त तिथियां जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी थोड़े धन को सामान्य श्रेणी में रखती हैं, उसी प्रकार पूर्ण तिथियां धन को बढ़ाती हैं और नंदा तिथियां धन को औसतता प्रदान करती हैं। मैंने आप लोगों से चर्चा में आरंभ किया था कि हर विषय वस्तु कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपस में जोड़कर धन और उससे मिलने वाले फलों के बारे में बताती है। केवल ये कह देना कि धन ही 11वां स्थान, दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 9वां स्थान है, तो वो थोड़ा असंगत होगा। संगत तो है लेकिन बहुत उसको एक विस्तृत रूप में चर्चा करने में अधूरापन महसूस होगा। इसके बाद हम आरंभ करेंगे वार का। वार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है कुंडली का। जीवन के अंदर जब भी कोई शुभ घटना या ईश्वर ना करे कोई अप्रिय घटना जब भी घटेगी, तो व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उस दिन के वारपति की होरा, उस वारपति की राशियां या उस वारपति का लग्न कहीं ना कहीं दशा, अंतरदशा, गोचरवश संबंध जरूर बनाएगा। व्यक्ति का वारपति अगर सोमवार को व्यक्ति पैदा हुआ है और वारपति हुए चंद्रमा अगर वो शुभ पंचक में बैठे हैं और शुभता प्रदान लेके बैठे हुए हैं, तो जीवन के अंदर जब जब चंद्रमा से संबंधित होरा, राशि, ऋतु, लग्न आदि इत्यादि जीवन में जब जब आएंगे, तब तब उनको लाभकारी रहेंगे। इसीलिए वारपति धन को बढ़ाने में व्यक्ति को काफ़ी मदद करता है। वारपति का 8वें में, 12वें में और नीच राशि में एवं अस्त होना जन्मांक के अंदर काफ़ी परेशानियां देता है। इसके साथ साथ वारपति अगर धन संबंधी भावेशों के साथ संबंध बनाए, तो वारपति के कारण से जीवन के अंदर धन और तेजी से बढ़ता है। वारपति के लिए और भी कई सारे योग बनते हैं। विशेष वारों के अंदर विशेष प्रकार की तिथियां होने से वार का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष वार के अंदर विशेष प्रकार के नक्षत्र होने से वारपति का फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए वार का भी इसके अंदर अत्यधिक महत्व ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है। वारपति के साथ में कैसे देखें कि वारपति हमें क्या दे सकता है। जैसे रविवार में अगर व्यक्ति जन्म लेता है, तो राजा के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, सोने के माध्यम से, पक्के संकल्प के माध्यम से,
व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति में सहायता प्राप्त होती है। सोमवार चंद्रवार में व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो कुछ नएपन के साथ, संगीत के साथ, खाने पीने की वस्तुओं के साथ, भोज्य पदार्थों के साथ व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। मंगलवार भोमवार पे व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो अपनी बातों को ऊर्जा के साथ कहना, अपनी बात पे टिके रहना और आत्मविश्वास के साथ काम करना, साथ ही साथ सम्मान की चाह भी बना के रखना व्यक्ति को जीवन के अंदर धन प्राप्ति में काफ़ी लाभ देता है। बुधवार मिला जुला स्वभाव है इनका और व्यक्ति व्यापार के साथ लिखने के साथ, लेखन क्रिया के साथ, अभिनय के साथ, अध्ययन के साथ और हास्य व्यंग के द्वारा जीवन के अंदर धन प्राप्ति में सुगमता देता है। गुरुवार वाहन के साथ, जायदाद के साथ, विद्या और विद्या को बांटने के साथ धन प्राप्ति देता है। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर एवं भ्रमण करना, सुदूर देशों की यात्राएं करने का भी योग बनाता है। उनके अनुसार इसमें धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शुक्रवार भृगुवार कोमल भावनाएं, आकर्षण देने वाली वस्तुएं, सुगंध एवं मुझसे विपरीत व्यक्तित्व अर्थात पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष जीवन में लाभकारी रहता है। इसके साथ साथ पढ़ने पढ़ाने से संबंधित भी व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है। अंत में शनिवार अपने नीचे अधीनस्थ काम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, शिल्पकार लोग, काम के अंदर गहराई से डूबने वाले लोग, उनके साथ मिलके धन को बढ़ाता है। मुख्यतः अगर देखें तो बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार इन लोगों को धन थोड़ी सुगमता से प्राप्त होता है। अन्य लोगों को मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति के योग देखे गए हैं। आज की चर्चा में हमने आरंभ किया वार, ऋतु, ऋतु के स्वामी एवं महा और महा के स्वामी। अगली चर्चा पुनः जल्दी आरंभ करेंगे और फिर उसको आपके माध्यम से साझा करेंगे। अपने जन्मांक के अंदर इसको लगा के देखिएगा। व्यक्तिगत परामर्श बहुत कम है, बहुत सीमित हैं। पूरे दिन में एक या दो ही व्यक्तिगत परामर्श ले पाते हैं, इसीलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपके परामर्श रह जाते हैं तो उसके लिए आपसे क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतरता के साथ अपने और हमारे ज्ञान में भी अपने अनुभवों के द्वारा वृद्धि करें। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, साधुवाद। अगली चर्चा पुनः जल्दी ही आरंभ करेंगे। खुश रहिए।